अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरब वालों की जो है वो फेमस सालसा चटनी की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन ले लिए हैं। इस तरह से जो है एल्युमिनियम फाइल बिछा लिए और ऐसे काट के रख लेने हैं आप लोगों ने। तो इसको जो है मैं ओवन में थोड़ा सा स्मोक कर लूँगी ताकि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे और उसके बाद जो है ऑलिव ऑयल लेंगे हम। उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बस ऊपर डालना है ताकि जो ये सख्त ना हो, थोड़े थोड़े से ये चीज़ें जो हैं वो नरम रहें। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट जो है ओवन में बेक कर। आप देखिए चटनी की जो चीज़ें हैं वो तैयार हो गई हैं, इनको अच्छा सा कलर भी आ गया। अब इनको मैं चॉपर में डालूंगी। तो इसमें डाल देते हैं पुदीना, धनिया हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद डालना है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन इतना डालेंगे। नमक हाफ टी स्पून जाएगा। इसके अलावा इसमें डालेंगे लेमन। और ये जो सालसा है ये अरब ममालिक वाले जो हैं वो चावलों के साथ बहुत ही शौक से खाते हैं, और ये चावलों के साथ जो है वो लगता भी बहुत मज़े का है। जैसे ये लोग मंदी हो गया, पुलाव, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और देखें सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर ऐसे छिलके समेत ही डालेंगे। तो आप चॉप कर लेते हैं। चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है। तो क्योंकि हम चीज़ें जो है पहले स्मोक कर लेते हैं तो इस वजह से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।